नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। वास्तु शास्त्र में बहुत सी ऐसी चीज़ों पर जोर दिया गया है जिसका ध्यान रखने पर व्यक्ति अपनी किस्मत पलट सकते हैं। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने पर जोर देता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी भी वही निवास करती हैं जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। कई बार व्यक्ति जीवन में कड़ी मेहनत के बाद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता या फिर किस्मत का साथ नहीं मिलता। ऐसे में वास्तु के कुछ नियमों को अपनाकर ही आसानी से करोड़पति बना जा सकता है। इन उपायों को करने से किसी भी प्रकार के खर्च की जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ बातों का ध्यान रखकर ही अपने आप माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। जैसे शाम के समय इन चीजों का दान न करें। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शाम के समय की गई कुछ चीजों का दान व्यक्ति को कंगाल कर देता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय और उसके बाद किसी को दूध, दही, नमक और तेल का दान न करें। इन चीजों को दान से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। पैसों की तंगी के चलते उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अक्सर लोग अपने आराम को देखते हुए बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जिसे वास्तु शास्त्र में पूरी तरह से गलत माना गया है। ऐसा करने से घर में रहने वालों का भाग्य रूठ जाता है। ऐसे में आप टेबल चेयर पर बैठकर खाना खा सकते हैं या फिर रसोई घर में भी खा सकते हैं, लेकिन बिस्तर पर बैठकर खाने से बचें। शास्त्र में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करती है। ऐसे में घर का मुख्य द्वार पूरी तरह से साफ होना चाहिए। इतना ही नहीं, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ेदान, जूते, चप्पलें, फिर खराब सामान भूल कर भी न रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रोड कर चली जाएगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल।